माननीय नाना साहब, गोपासा जी, सचिवारा साहब, मंचासी में सभी नेतागण, साथियों, आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कन्याकुमारी से किया था, तब से लेकर आज तक लगातार सैकड़ों किलोमीटर चलकर हमारे भारत यात्रियों ने और राहुल गांधी जी ने एक नया इतिहास यहाँ कायम किया है। और जिन मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर निकले हैं, मैं समझता हूँ वो आज के हमारे परिवेश में बहुत प्रासंगिक है। जो समस्याएं, जो परेशानी, जो दुख समाज में, देश में, प्रदेश में है, उस सबको सुनने, समझने और उनका समाधान ढूंढने के लिए राहुल गांधी जी आज निकले हैं। आज आप लोगों ने जिस उत्साह से इस यात्रा का स्वागत किया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। हमारे देश में जो आज वातावरण बना है, जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, जो आपस में आक्रोश पैदा हुआ है, जो नफरत पैदा हुई है, उसको खत्म करने के लिए आज जरूरत थी इस प्रकार की यात्रा निकालने के लिए। रास्ते में हमने सबने देखा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, श्रमिक, सब लोग आकर मिल रहे, अपनी बात को कह रहे हैं। और हम सब लोग और खासकर आदरणीय राहुल गांधी जी उन सब बातों को सुन रहे हैं। आज कमी इस बात देश में है, कमी इस बात की है कि लोग सुनने वाले नहीं है। जो शासक हैं वो सुन नहीं रहे, और सुनने के लिए, समझने के लिए, इस देश में जो दर्द है उसको जानने के लिए पैरों पर आज चलते हुए लगभग 90-95 दिन हो गए। मैं नहीं समझता साथियों कि आजाद भारत में इस प्रकार का दूसरा उदाहरण होगा। मैं सच में अपने मन से आप सबकी तरफ से आज धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत जोड़ यात्रा के सभी यात्रियों का, और विशेष रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने आज देश में मिसाल कायम की है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाकर आप राहुल जी का स्वागत करें। और रास्ते में जिस उमंग, जिस उम्मीद के साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हैं, मैं समझता हूँ आने वाले कई दशकों तक इस यात्रा को याद किया जाएगा। इस मौके पर आप सब लोग इतनी संख्या में आए, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इसी तरह देश को जोड़ने वाले, प्यार मोहब्बत का पैगाम ले जाने वाले लोगों को, ऐसी विचारधारा को आप लोग पसंद करोगे, आशीर्वाद दोगे, और आने वाले समय में हम सब मिलकर एक विकसित राजस्थान, विकसित देश की निर्माण कर पाएंगे। छत्तीस कौम के लोग, चारों धर्म के लोग प्यार मोहब्बत की बात करें और आपस में ये उदाहरण स्थापित करें कि पूरी दुनिया हमारा लोहा माने कि भारत और राजस्थान के लोग आपस में प्रेम प्यार करते हैं। एक बार पुनः राहुल जी का हाड़ोती में, राजस्थान में स्वागत करते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में यहां पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।